हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। आप ठीक ठाक और सब खुश होंगे, यही आशा करते हुए मैं वीडियो आगे बढ़ा रही हूँ। तो आज हमारी कामधेनु गाय माता के इस घर में स्थापना हुई। तो एक चौकी मैंने बिछाई, चौकी पर मैंने लाल वस्त्र बिछाया और लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैंने बिठाया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी गो माता का स्वागत भी कर रहे हैं और बड़े खुश और आनंदमयी लग रहे हैं। तो यहाँ पर गौ माता को मैंने कामधेनु गाय माता को कांसे की थाली में बिठाया है और थाली में मैंने स्वस्तिक और फूल छोड़ दिए हैं और उसके ऊपर मैंने कामधेनु गाय माता और उनके बछड़ों को बिठाया है। और यहाँ पर मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। दीपक हमारे पूजा के साक्षी होते हैं, तो यहाँ पर मैं दीपक प्रज्वलित करने के बाद में दीपक की पूजा भी कर लूँगी। ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, लड्डू गोपाल जी के जो भी मुख्य और उनको पसंद चीज़ें हैं उन्हें अपने घर पर ले आएं। और इस तरह से हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, दीपक की पूजा कर ली है। अब हम गाय माता को कहेंगे कामधेनु गाय माता आइए हमारे घर में स्थापित होइए, हमारे घर में स्थापना कीजिए और पूजा में भूल चुक हो हम तो हमें क्षमा कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। तो इसी तरह से हमें उनसे विनती करते हुए हमें यहाँ बुलाना है और इसके बाद में हम उनके चरणों में पानी डालेंगे और फिर उनके सर पर और उनके शरीर पर हम स्वच्छ जल डालेंगे। जल के अंदर मैंने गंगा जल मिक्स किया है। अब हम यहाँ पर दूध से उनका अभिषेक करेंगे। तो कच्चा दूध मैंने लिया है, कच्चे दूध से मैं यहाँ पर कामधेनु गाय माता का राधे राधे बोलते हुए या फिर ओम कामधेनु माताएं बोलते हुए मैं इनका यहाँ पर स्नान करवा रही हूँ। इसके बाद में मैंने दही से स्नान करवाया है। दही से स्नान करवाने के बाद में मैं स्वच्छ जल से इनका स्नान करवाऊँगी। हमें छोटे बछड़े को भी साथ के साथ स्नान करवाना है और इसी के साथ मैं हल्दी से भी स्नान करवाऊँगी। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और सभी माताओं को बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनको अच्छे से इससे स्नान करवाऊंगी। और इससे स्नान करवाने के बाद में मैं अब पुष्पों से उनका स्वागत करूंगी। तो यहाँ पर मैं पुष्प उनको अर्पण करते हुए उनको पुष्पों से स्नान करवाऊंगी। तो पुष्पों से स्नान करवाने के बाद में मैं फिर से स्वच्छ जल इनको अर्पण करूँगी। स्वच्छ जल से स्नान करवाने के बाद मैं उनका अंग पोषण करूँगी। अंग पोषण करने के बाद में उनको मैं स्वच्छता के साथ यहाँ पर स्थापित करूँगी। तो यहाँ पर गौ माता को बड़े प्रेम के साथ मैंने यहाँ स्नान करवाया है और इनको यहाँ पर आसन देकर बिठाया है। तो आसन हमने पहले से बिछा रखा है और उनको स्वच्छ अच्छी तरीके से मैं पोछ लूँगी और पुष्पों का आसन देते हुए फिर से मैं इनको बिठाऊँगी। तो यहाँ पर पुष्पों का आसन देते हुए मैंने इनको बिठाया है और यहाँ पर अब मैं गाय माता पक को तिलक लगाऊंगी। यहाँ मैं सिंदूर का तिलक लगा रही हूँ, बछड़े को भी तिलक लगाऊंगी और फूल अर्पण करूंगी। यहाँ पर गेंदे के फूल अर्पण कर रही हूँ और यहाँ पर माता लड्डू गोपाल जी को भी मैं फूल अर्पण करूंगी। लड्डू गोपाल जी की खुशी देखिए, बड़ी ही मनमोहक खुशी आई है। अब मैं उनको माला अर्पण कर रही हूँ, ये माला इन्हीं के लिए आई है, तो इनको मैं माला पहना रही हूँ। इसके बाद मैं वस्त्र स्वरूप चुनरी ओढ़ा रही हूँ। तो चुनरी मैंने माता कामधेनु को ओढ़ाई है। अब यहाँ पर मैं इनका हल्दी से थोड़ा चित्रण कर दूँगी, जैसा मुझे आता हो। हल्दी से कुमकुम मिक्स करके हम यहाँ पर हल्का सा इनका चित्रण कर देंगे, इनके पाँव को रंग देंगे और इनके ऊपर भी थोड़ा सा रंग से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छा लगते हैं, विग्रह भी अच्छे लगते हैं और भगवान जी को भी बड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैंने ये देखिए तिलक इनको इनका डिज़ाइन हल्का सा किया है। तो यहाँ पर इस तरह से तिलक लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर धूप प्रज्वलित करूँगी। कामधेनु माता को धूप दिखाते हुए विनती करूँगी, हे कामधेनु माता हमारे घर में स्थापित होइए और हमारे हर चिंताएं, हमारे दुखों को दूर करें, हमें निरोगी काया अर्पण कराएं। और यहाँ पर दीप भी माता कामधेनु को दिखाऊंगी और लड्डू गोपाल जी को भी मैं दीपक दिखाऊंगी। अब मैं भोग अर्पण करूंगी कामधेनु माता को
और लड्डू गोपाल जी दोनों को, और इसके बाद में घास इनको अर्पण कर रही हूँ। कामधेनु माता को घास अति प्रिय है तो यहाँ पर मैंने घास अर्पण किया है। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को मैं माखन अर्पण कर रही हूँ तुलसी का पत्ता डालकर। तो यहाँ पर माखन लड्डू गोपाल जी को अर्पण करने के बाद में यहाँ पर पूजा में जो भी भूल चुक हुई उसकी क्षमा याचना करेंगे। और इसी तरह से सिंपल पूजा विधि से हम कामधेनु गाय माता को अपने घर में स्थापित करेंगे। और थोड़ी सी मैंने इत्र लगाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं कामधेनु माता के और लड्डू गोपाल जी के। लड्डू गोपाल जी के मुख की प्रसन्नता देखने से बन रही है, बहुत ही प्रसन्न है हमारे माधव लल्ला। तो यहाँ पर उनकी गाय माता आ गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।